subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज ये थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, मोशन का। ठीक है, तो मैंने कल ये बताया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस बता दिया था, क्योंकि मैंने लिखाया कुछ नहीं था। इम्पोर्टेंट होती है इनकी लिखावट, और इसके बाद मैंने जो एक्सप्लेन किया था उसको सही इम्प्लीमेंट करने के लिए इनकी आपको डिफिनेशन के साथ इनके ये बताना जरूरी। डिस्टेंस है क्या, मैंने कल आपको क्या बताया था, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट ए पे है और बी पे जा रही है, सपोज दैट इसके बीच में, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आ रही है, या यहाँ से सी पे आ गई, सी से हमें डी पे गई, तो ये मान लिया जाए 12 किलोमीटर है, ये मान लिया जाए 10 किलोमीटर है, और ये मान लिया जाए 6 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब कितना हुआ, 22 प्लस 6 28 किलोमीटर हो गया, तो 28 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया, ये बताया था मैंने, 28 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। ठीक है, डिस्टेंस क्यों होगी, टोटल सम ऑफ द बाउंड्री जितना क्लियरिंग किया उसको हमने ऐड कर रखा। अब यानी इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ बाय सब्सटेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ, पाथ लेंथ ये वर्ड को समझना, एक्चुअल पाथ लेंथ जितना वो डिस्टेंस ट्रैवलिंग कर रहा है, एक्चुअल पाथ वो जा रहा है उसको कैलकुलेशन, या फिर टोटल, एक्चुअल जगह पर टोटल पाथ लेंथ भी ले सकते हैं, एक्चुअल जगह पर आप चाहो तो टोटल भी ले सकते हो ना, टोटल पाथ लेंथ बाय सब्सटेंस इन ए गिवन टाइम, एक निश्चित समय में जितनी टोटल डिस्टेंस ट्रैवलिंग करेगा वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। सेकेंड वन क्या लिखा, इट इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मैंने कल एक बताते यही बताया था, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर में क्या था, मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब यहाँ पे कितना किलोमीटर हमने ट्रैवलिंग किया ये बताया, ठीक है, डायरेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया, हमने डिस्टेंस क्या 28 किलोमीटर। यदि मैं बोलूं यहां मैं दरभंगा जाने में, आने जाने में मैं 28 किलोमीटर ट्रैवलिंग किया, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी फिक्स हो जाएगा, जाने में डायरेक्शन फिक्स है, आने में दरभंगा से डायरेक्शन फिक्स है, जा रहे हो मतलब मूविंग टुवर्ड द स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है, कम बैक कर रहे हो, कहां कर रहे हो, घर की तरफ कर रहे हो, वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो यहाँ पर डायरेक्शन के साथ है। यदि मैं ये बोलूं कि मैं दरभंगा, मैं किसी जगह का नाम ना बोले, ये बोले कि टोटल डिस्टेंस मैंने कितना ट्रैवलिंग किया है, तो वो डिस्टेंस में आ जाएगा ना, मैंने आज 28 किलोमीटर बाइक से चलाया। ठीक है, यदि मैं बोलूंगा मधुबनी गया बाइक से और आया, टोटल 28 किलोमीटर गया, तो फिर यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। दो वर्ड को याद रखना, यदि मैं स्पेसिफिक प्लेस का मेंशन कर दूं वहां जाके आया तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, यदि मैं ये सिंपल बोलूं कि मैं इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया तो वो डिस्टेंस में आ जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि उसमें डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड इंक्लूड है, इतना किलोमीटर मैंने ट्रैवलिंग किया, ये टेक्निकली आता है, तो यहाँ पे जब भी आए तो आपको इस चीज को ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो चूंकि इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड ओनली होल्ड क्या होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 12 किलोमीटर डाल दिया, डायरेक्शन नहीं है इसमें होल्ड, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। फिर क्या बोला, इट कैन नॉट बी जीरो, और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्यों, आप कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग करोगे ना, यदि आप मोशन में हो तो डिस्टेंस ट्रैवलिंग करोगे, रेस्ट में हो तो भी आपका डिस्टेंस जीरो हो सकती है, यदि मूविंग ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस होगी तो जीरो नहीं हो सकती है, यदि जीरो है डिस्टेंस तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं है, वो रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, तो ये इसीलिए लिखा गया है, इट कैन नॉट बी जीरो ऑलवेज, ये कभी भी जीरो नहीं होगी, जीरो है तो हो जाएगा रेस्ट का कंडीशन। फिर इट इज अ मेजर बाय डिवाइस, दैट इज ओडोमीटर, ये ओडोमीटर डिवाइस है जिसके थ्रू आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, कितना बाइक में ओडोमीटर होता है ना, वो केवल किलोमीटर बताता है, गाड़ी में रहोगे तो ओडोमीटर ऐसे कांटा बताता है कितनी ट्रैवलिंग किया आपने, तो ओडोमीटर है वो, ठीक है, मेजर करने के लिए आपको किलोमीटर बताता है, वो डायरेक्शन नहीं बताता है, आपने इतना किलोमीटर ट्रैवलिंग किया ये बताता है, तो दिस इज द ओनली मेजर द डिस्टेंस। ठीक है, यदि डायरेक्शन भी बता दे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन ओडोमीटर
डिस्टेंस बताता है, गाड़ी में लिखा था ना इतने किलोमीटर आपने चला टोटल डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता, डायरेक्शन नहीं बताता है। सेकेंड वन डिस्प्लेसमेंट की बात है, ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल फाइनल पोजिशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, यह वर्ड को समझिए, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन बोलता है, ये ऐसे छोटे डिस्टेंस को बताता है जो इनिशियल और फाइनल पोजिशन, सपोज दैट यदि मैं ऐसे कोई मेंशन करूं, ऐसा मेंशन करूं, जैसे ए से बी पे आया, ए बी सी पे आए, फिर हम डी पे चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट बताना है, मान लिया जाए ये 4 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है, ठीक है, तो बोलता है अब हम कितना डिस्टेंस इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर किए। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने ये बताया था, मिनिमम या शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम, यहां पे एक लाइन देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में, तो ये हमने स्टार्ट कहां से किया है, ए से किया है, पहुंचा कहां है, डी पे, तो यहां पे वर्ड क्या लिखा है, बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, जहां से चलना शुरू किया आपने, एंड फाइनल पोजिशन, चलना आपने ए से शुरू किया, फाइनल कहां पर आया, डी पे आया, ठीक है, तो यही पोजीशन होगा अलोंग विद रिस्पेक्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ। अब देखिए यहां पे यदि मेरा शॉर्टेस्ट पाथ यही हो सकता है, ये वाला पोजीशन, ठीक है, तो ये वाला जो पाथ होगा ए टू डी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए से बी पे 4 प्लस बी से सी 5 प्लस सी से डी 6, ये सारे को जो कैलकुलेट करेंगे 9 और 6 15, 15 किलोमीटर डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, 15 किलोमीटर, ठीक है। और यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तब क्या हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, क्यों, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी की बात करता है, ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर अप्रोक्स मैंने मान लिया, ये दिस लाइन इज इक्वल, देयरफॉर दिस डिस्टेंस इज अ 5 किलोमीटर, तो आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस यही है। यदि दूसरा फिगर ऐसा कोई हो तो आप कैसे निकालोगे, ये देखो ऐसे जा रहा है, ऑब्जेक्ट इधर गया, ए से शुरू किया, बी पे गया, हाँ सी पे गया, सी हुआ, ये डी हुआ, ठीक है, और यहां पे आए आप, ई हो गया, और यहां पे आ गया, डी पे आ गया, ठीक है। तो इस पोजिशन को आपको मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम निकालने के लिए एक ही यहां से यहां तक जो लाइन होगा, ये वाला लाइन, इसको मेजर करें, और पता है ये लाइन किसकी मेजर के बराबर होता है, ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से ए से डी के बीच की दूरी निकल रही है, यही डिस्टेंस ऐसा है जो मिनिमम पोजिशन आपको बताएगा, ठीक है। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन के बीच में मिनिमम जो दूरी होगी ए से डी के बीच की दूरी होगी, इस तरह की सम दी हुई है, दो सम है आपके में और सीजन की बुक में, इस तरह की दो सम दी हुई है जो मैंने अभी बताया है, इस तरह की है, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है। अब आ जाओ सेकंड क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्यों बोला, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो है, कितना किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन है, ए टू डी बोला मैंने, है ना, डायरेक्शन भी बता दिया, यदि मैं बोलूं यहां से दरभंगा गया, दरभंगा से आया, तो डायरेक्शन मुझे पता हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से ए टू डी लिखा ना, टोटल डिस्टेंस नहीं लिखा, मैंने ए से डी की डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए क्या है ये आपको कौन सा हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है, बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेंशन किया गया है, इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकती है, क्यों होगी, सर्कुलर मोशन में बात कर लेते हैं, यदि मेरा ऐसा कोई मोशन है, यहां से मैंने चलना शुरू किया इस पोजीशन से ए पे, ऐसे चलना शुरू किया और आते आते मैं फिर ए पे ही आकर रुक गया, मैंने कल एग्जांपल दिया था, मैं सुबह 6 बजे यहां आया इस जगह, और आया यहां से स्कूल गया, क्लास किया, फिर वहां से कुछ काम था वो किया, फिर घर गया, खाना खाया, फिर और भी काम किया, और रात में 9 बजे यहां पहुंच गया, ठीक है, इसी जगह पहुंच गया, तो मैंने टोटल डिस्टेंस कहां से स्टार्ट किया था, यहीं से पहुंचा कहां, यहां पे, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जहां से चले इस पोजीशन से जहां पहुंचे उस पोजीशन पे डिस्टेंस क्या होगा, जीरो, साइफर, लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल मेजर करेंगे, यहां से घर से यहां आए उसका किलोमीटर, यहां से स्कूल गए वो निकालेंगे, फिर
फिर वहां से जो काम करने गए थे वहां निकालेंगे, फिर घर गया, फिर यहां पर आया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज टोटल कैलकुलेशन करके डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी के बीच की जो गैप है, डिस्टेंस है। तो गैप हो सकता है नहीं भी हो सके, नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा। तो इस केस में हम यदि हम ए से चलना शुरू किए और ए पे ही आके रुके तो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगी। यदि स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज जीरो हो सकता है। ठीक है, तो यहीं पे लिखा है इट इज अ, इट कैन बी जीरो। क्यों, इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट यदि सेम होगा तो जीरो होगा। इट इज ऑलवेज लेसर देन, लेसर देन और, लेसर देन और इक्वल। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए ये या तो डिस्टेंस से क्या होगा ऑलवेज छोटा होगा या इक्वल होगा। ये वर्ड को याद रखना, डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा डिस्टेंस से या बराबर होगा। छोटा होगा कैसे, ये इस एग्जांपल से ले लो। बराबर कैसे हो सकता है, ए से हमने बी पे ट्रैवलिंग किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों माने यहाँ पे 7 किलोमीटर है। स्टार्टिंग ए से किया, पहुंचा बी पे, तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया ए, फाइनल पोजिशन बी, बीच की डिस्टेंस 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इस केस में बराबर होगी, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी चीज को मैंने यहाँ पे वर्ड में लिखा है, इट कैन बी जीरो, इट इज ऑलवेज लेसर और इक्वल टू डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट को भी हम सिंपल भाषा में बोले डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, डिस्टेंस भी होगा और साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, और अभी और लिखना है इसमें। अब जस्ट मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तो एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल ये बोला था, डिस्टेंस जो होता है नेवर बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट बोला था जीरो भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा वर्ड बोला था डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, जीरो भी होता है। उसको हम इक्वेशन के बेस पे हम लोग ऐसे लिख सकते, डिस्टेंस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली या तो इक्वल टू होगा या डिस्प्लेसमेंट या छोटा होगा, या इसको ऐसे बोले डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या बराबर हो सकता है। ठीक है, उसमें एक वर्ड आया था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैंने बोल दिया था स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, फिर भी मैंने इसको स्टेटमेंट में लिख दिया है। इसमें क्या लिखा है ये समझिए, स्केलर क्वांटिटी क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये वर्ड को समझिए, जैसे कि उसमें जितने नंबर ऑफ फिजिकल, मैंने एक संक्षिप्त जो हम जनरल लैंग्वेज में फिजिकल का मतलब होता है जिसको हम टच कर सके, छू सके, ठीक है, या जिसको हम देख सकते हैं वो फिजिकल आता है। तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या हो गया, उनकी एटम की अमाउंट, जैसे बोलता है 4 ग्राम है या 10 ग्राम या 10 केजी है, तो इससे मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम की मास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मास क्या फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगी, तो उसी चीज को यहाँ दिया गया मास के बारे में, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड्स, वही मात्रा कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है। फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ये सब याद थोड़ा सा समझ लीजिएगा। डिस्टेंस जो है टाइम है और स्पीड है। स्पीड बताता है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर आवर ये बताता है कितनी 5 किलोमीटर हो गए। ठीक है, वो डायरेक्शन नहीं बता रहा, वो केवल आपको मोशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, टाइम क्या होता है, टाइम भी जो है 2 किलोमीटर, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है उसमें भी। डिस्टेंस तो ऑब्वियसली एक मोटा मोटी बड़ा फिजिकल क्वांटिटी है, 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जैसे हो गए डिस्टेंस। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ, क्या क्या होगा उसमें, मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन होगा। ठीक है, इसे वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी जो है वो आपको वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल में ये क्या दिया है मैंने, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन जैसे तो ये बताया था, इसी के बाद ए से बी, बी से सी, सी से डी गया, तो ए से डी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है,
हमें डायरेक्शन में से एक किस पोजीशन पे है और बी किस पोजीशन पे है, मान लिया जाए इस तरह का हमको लेके चलते हैं। हाँ देखिए ऐसे होगी, अब यहाँ पे चला गया तो इस तरह से हमें मिनिमम जो डिस्टेंस आएगा ये हो गया। अब यहाँ पे हमें दो चीज और समझ में आएगी, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो ए से बी डी के बीच की दूरी निकालनी है, इससे क्या होगा या तो ए से डी की तरफ जाओ या डी से ए की तरफ जाओ, डायरेक्शन हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस का डिस्टेंस का मतलब क्या था, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी या बाउंड्री का मेजरमेंट, पेरिमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी क्या होता है, वेलोसिटी से बना होता है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी बन गया वहां पे भी। यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में भी बताया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग मोशन के बारे में देखेंगे। मोशन क्या होता है, मोशन जो होता है दो तरह की होती है। मेन चैप्टर मोशन पे ही है हमारा पूरी फंडा, क्योंकि अभी तक हम जो देखेंगे वो मोशन के बारे में ही देखेंगे। तो एक्चुअली हम मोशन के बारे में देखें तो क्या होता है, दो तरह की जो मोशन होती है वो मोस्टली दो तरह की होती है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है समझा देते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको रिटेन भी करा दूंगा, ठीक है। मोशन, मोशन के बारे में बताया तो मोशन क्या हो गया, मोशन जो होते हैं दो तरह के हो गए, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अब यहां पे देखिए क्या होता है, यूनिफॉर्म है एक जैसा ना, आप लोग स्कूल जाते हो तो यूनिफॉर्म ड्रेस में जाते हो, क्यों, एक जैसा हो ना, यूनिफॉर्म है एक जैसा। यदि मैंने कल एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया था आपको, बताया था कि यदि हम ए से बी के बीच में मान लीजिए पटना, पटना से दिल्ली के बीच की दूरी है, ठीक है। यहाँ पे सपोज दैट ए स्टेशन आया, बी आया, सी आया, ठीक है, तीन स्टेशन आया। यदि हम ए से बी में स्पीड से चल रहे हैं 25 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकले, ठीक है, लेकिन यहाँ इक्वल डिस्टेंस है, हाँ याद रखो ये बीच में इक्वल डिस्टेंस है पटना से ए, बी, सी और दिल्ली के बीच में 15 किलोमीटर है। यहाँ पे स्पीड हम कुछ भी बढ़ा दिया हमने तो यहाँ पे हमारा मान लिया 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, और ये मान लिया 30 या 75 किलोमीटर पर आवर हो गया, और यहाँ पे पहुंचने की ड्यूरेशन में जाम तम कुछ लग गया होगा तो मान लिया जाए कि 20 किलोमीटर पर आवर में पहुंच गया, ठीक है। सेम वे अदर डायरेक्शन में हम बात कर लेते हैं, एक तो ये मोशन हो गया, दूसरा पटना हो गया, ए पे गए, बी पे गए, सी पे गए और दिल्ली पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम स्पीड चल रहे हैं, सपोज दैट कोई ऐसा गाड़ी है तो मान लिया जाए हाँ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, ये भी क्या है 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ये भी 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ये भी 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, समझते हैं। यदि हम यहाँ पे ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करें दिल्ली से पटना के बीच में, तो यहाँ पे देखिए इसमें इक्वल स्पीड में नहीं चल रहा है, अलग अलग स्पीड, यहाँ पर स्पीड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है ना, एक अलग 15 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है, 75 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। ऑन द अदर हैंड हम लोग देख रहे हैं सारे जगह इक्वल स्पीड से चल रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ पे जो बैठेगा आदमी उसको कोई मोशन क्या होगा, एक जैसे नजर आएंगे और इसमें अलग अलग आएगा, तो ये एक जैसे समान है, एक जैसा सारे की स्पीड क्या है सेम है, इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। और ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ये क्या कहलाएगा यूनिफॉर्म, और ये क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म। अब यहां पे ये दो क्लियर हो गई, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म में क्या हो गई एक जैसे स्पीड में चल रहा है और ये एक जैसे स्पीड में नहीं चल रहा है। यदि हम इसकी ग्राफ लें, सपोज दैट हम इसका ग्राफ लें, सपोज दैट ये हमारा ए है, इसको ए से इंडिकेट कर रहे हैं, इसको बी से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है।
यदि हम ए का ग्राफ बना रहे हैं, प्लॉट करेंगे, तो कैसा बनेगा ये समझिए। ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है, और ये हमारा स्पीड हो गई, ये हमारा स्पीड हो गई। यदि हम सबके बीच में पांच पांच का डिफरेंस ले रहे हैं, सपोज दैट 5, 10, 15, ठीक है, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 75, ठीक है, और ये टाइमिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, इस तरह से बढ़ा हो, ठीक है। और ये सपोज आप टाइमिंग ले लेते हैं, ये एक एक घंटे की डिस्टेंस में ले रहे हैं, ठीक है, या दो दो घंटे की डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में दो घंटे लगा, इसको कम ज्यादा स्पीड होगा ज्यादा होगा, इसमें टाइमिंग हम फिक्स कर लेते हैं, यूनिट मान लिया, समझाने के लिए कर रहे हैं। अब आइए पहला पॉइंट से, यदि हम एक मिनट में मान लिया 5 पे गए, 15 पे गए, ठीक है, 1, 2, 3, 5, 10, 15 यहाँ पर आया ग्राफ, ये आया, फिर दूसरे पे क्या है 30 पे जा रहा है, 1, 2, 3 ये आ गया, यहाँ पे 30 हो गई, यहाँ पे 30 हो गई, सपोज है ऐसे करो, यहाँ पे आ गई, दूसरा क्या 75, यहाँ पे आ गई, तीसरे पे कहाँ आ गई, यहाँ पे मान ले लिया हमने, इसके बीच में ये ग्राफ आ गई, दूसरा क्या है 20 है, तो 1, 2, 3, 4 ये आ गया, ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया। यदि हम इस सबको मिलाए तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये गौर कीजिएगा, यहां से है यहां पे गया, यहां से फिर पॉइंट यहां गया, और यहां से ये ऐसे ग्राफ बनी, है ना, ठीक है। लेकिन इस केस में यदि हम ले लेते हैं तो आपका स्पीड क्या होगा, एक जैसा ग्राफ बनेगा, है ना, इस तरह का, इसको यूनिफॉर्मली मैं इसी आधार पर दे रहा हूं, जिसे मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे जा रहा है हमारा, ठीक है, और यहां पे 5 का ही डिफरेंस मान के चलेंगे, ठीक है, इस तरह से जब हम प्लॉट करेंगे ना, एक यहां आएगा तो दूसरा यहां आएगा, तीसरा यहां आएगा, चौथा यहां आएगा, इस तरह से क्या होगा मेजरमेंट में, इस तरह से लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं नल लीनियर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसके लिए दो वर्ड यहां से ग्राफ से हमें एक नाम और मिल गया, इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर, इसको लीनियर मोशन भी कहा गया, क्योंकि जब मोशन क्या है, जब एक जैसी स्पीड से चलेगा तो इस तरह की ग्राफ बनेगी, और इस तरह से यदि नहीं चल रहा है तो क्या हो गया नॉन लीनियर मोशन। तो इससे ग्राफ के आधार पर हम बात करें तो इसको इसी चीज को हम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या बोल सकते हैं, नॉन लीनियर मोशन, ठीक है, और लीनियर मोशन में आपको यूनिफॉर्म मोशन लीनियर मोशन में आ गया। तो इस तरह से हम लोग के दो तरह की मोशन पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब हम इसके बारे में और भी देख लेंगे, ये तो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या है कि ये यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेटिव जिसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, मैं फिर इसके बारे में स्टेटमेंट के रूप में बता दूंगा, आज बाद एक फॉर्मेट आप लोगों को तैयार किया कि कल मैं किस टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेशन को मेंशन करेंगे, फिर ग्राफ में आएंगे हम लोग वन बाय वन स्टेप। हाँ, एक चीज कंप्लेंट जो मिल रही है हम लोगों को कि बच्चे लोग देख नहीं रहे, एक्चुअली क्या है कि जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझे इन्फॉर्म करेंगे या मेल पे आप दे देंगे, नंबर दे दीजिए, मैं आपको जैसे ही टाइम मिलेंगे शाम के टाइम में मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा। लेकिन आप लोग कोई ना तो एक्टिविटी हमें दिखा रहे हैं ना कुछ, हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक बार यदि मैं कंप्लीट कर दिया, टाइमिंग बहुत शॉर्ट है, आप ये सोचो सितंबर या जुलाई में कभी भी स्कूल खुलती है तो क्या होगा, आपके पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप उसको फिर से पढ़ाए हम और आप पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि कम ड्यूरेशन में आपको सिलेबस भी देखना है, अभी भी आप कुछ पढ़ते नहीं हो, जबकि मैं हर समय एक्टिव रहता हूँ ताकि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो मैं बार बार लिखता भी हूँ और बोलता भी हूँ आप लोगों को, आपने देखा भी हो कितने आदमी को मैंने मैसेज कमेंट में भी दिया है, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप लोग एक ग्रुप बना लिया करो, कुछ बच्चे ने बना रखे हैं 9th वाले भी,
और टेंथ वाले भी, तो अब क्या है उसमें, अब आप डिस्कशन करोगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, मैं नहीं होगा नेक्स्ट टाइम में एक नया सा वीडियो बना के फिर से हम डाल देंगे उसमें। अब आ क्या रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि आप नहीं किए हमारे साथ ये काम, ठीक है, तो स्कूल में शॉर्टिंग होने के कारण, टाइम इतना कम होने के कारण फिर मैं निग्लेक्ट करना शुरू करूंगा। दूसरी बात, मुझे इन्फॉर्म करना पड़ता है सर के पास, ठीक है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आप स्कूल खुलने के बाद, जस्ट स्कूल खुलने के बाद मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करूंगा नहीं, मैं तो सबको बता दूंगा कि सर इतना मैंने कंप्लीट किया है, क्योंकि ऑनलाइन मैंने कि आपको वीडियो यूट्यूब पे रखा हुआ है, फॉल्स की कोई बात ही नहीं, तो प्रॉब्लम में आप ही आओगे। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि पढ़ो, यदि कोई प्रॉब्लम है हमसे पूछूंगी, वन बाय वन सारे बच्चे का वहां पे जमा किया जाएगा। सबका यही कहना है, जितना भी आप लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को भी पैरेलल तैयारी करना है। यदि किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग व्यक्तिगत रूप से मुझे संपर्क कीजिए या कमेंट में डाल दीजिए, हम आप लोगों से बात करेंगे। जितना है फेयर चाहिए, ठीक है, और ये कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा। जिस दिन स्कूल खुलेगी या जब से स्कूल खुलेगी, तो मैं वो होमवर्क असाइनमेंट, असाइनमेंट वन असाइनमेंट टू, वो लिखा हुआ क्वेश्चन चाहिए और मैं सारा चेक करूंगा। नहीं आएगा तो फिर सर जाने और सर को बताइए क्या होगा, पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा, तो प्रॉब्लम आप ही लोगों को आएगी।